सनराइजर्स हैदराबाद की उम्मीदें तो वैसे हो चुकी हैं पस्त, लेकिन अगर आज जीती आरसीबी तो हो जाएगी मस्त। और भैया ये है बड़ा मुकाबला, सुपर थ्रिलर जब आमने सामने होंगे सनराइजर्स हैदराबाद बनाम आरसीबी। और बच्चे बच्चे को पता है, एक एक आरसीबी फैन को पता है कि उनके लिए ये मुकाबला कितना जरूरी है, कितना बड़ा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये मुकाबला आरसीबी के लिए डू और डाई है, क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन है नहीं। और आज पॉइंट्स टेबल की वीडियो में मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन ज्यादा बेहतर तरीके से दूंगा। लेकिन अगर आज आरसीबी अपनी किस्मत अपने हाथ में रख के प्लेऑफ्स में जाना चाहते हैं तो उन्हें सनराइजर्स हैदराबाद को उनके घर में, उनके गढ़ में नेस्तानाबूद करना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए क्या होगी इस टीम की प्लेइंग 11, क्या होगी सनराइजर्स हैदराबाद की काउंटर 11, कैसे हो रहा है दोनों टीमों का कंपैरिजन, कौन सी टीम आगे बढ़ रही है, कौन सी टीम यह मुकाबला जीत सकती है, क्या है मेरी तीन बोल्ड प्रेडिक्शन, सब कुछ आप जानेंगे इसी एक वीडियो में पहचानेंगे। तो आप लोग भैया वीडियो को लाइक करके जाएंगे, जी हां चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूले। एक एक आरसीबी और हैदराबाद फैंस तक आज ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। देखिए अगर इस वक्त आप अपनी टीम के साथ नहीं खड़े रहना तो भैया देर नहीं अंधेर हो जाएगी। इसीलिए सपोर्ट करिए, दिल खोल कर सपोर्ट करिए, दिल बड़ा करिए, शेयर करिए वीडियो दबाकर और सभी लोगों तक पहुंचाकर बोलिए कि चलो आओ करो अपनी टीम को सपोर्ट। कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट टीम का नाम जरूर लिखें और हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। अब आज के मुकाबले में प्लेइंग 11 की कुछ बड़ी अपडेट्स आ सकती हैं। अभी मेरे पास जितनी जानकारियां हैं दूंगा, लेकिन जो दिन भर आएंगी वो सब कुछ टेलीग्राम पर आएगी। जैसे कल के एग्जांपल मैं आपको दूं तो भैया कगीज़ और रबाडा कल खेलने वाले थे, दोपहर में मेरे पास अपडेट आ गई थी और मैंने बता दिया कि आज कगीज़ और रबाडा खेल रहे हैं और आप लोगों ने देखा कि वो पंजाब के लिए खेले। ऐसी बहुत सारी एक्सक्लूसिव जानकारियां सिर्फ और सिर्फ हमारे टेलीग्राम की जनता को ही मिलता है। तो भैया लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, फटाफट से जाइए हमारे टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बन जाइए। लेकिन चलिए हम इसके पहले की शुरुआत करें, मैं आपको बताता हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग फन फैक्ट। क्या आपको यह फैक्ट पता है दोस्तों कि आरसीबी टीम ने ना हैदराबाद में, हैदराबाद टीम के खिलाफ 7 मुकाबले जीते हैं, सिर्फ एक बार जीत का मुंह देखा है, 6 बार इनको दोस्तों उस मैदान पर हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन अगर इस फैक्ट से भैया आरसीबी फैंस थोड़े से नर्वस हो रहे हैं तो चलिए मैं एक फैक्ट और बता देता हूं। क्या आपको ये पता है कि इस साल के सीजन में यानी कि आईपीएल 2023 में सनराइजर्स हैदराबाद ने 6 होम मुकाबले खेले हैं अब तक और सिर्फ एक जीतने में सफल रहे हैं। 5 मुकाबलों में हैदराबाद टीम को अपने घर पर हार का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे में भैया अभी तक के जो ट्रेंड्स हैं वो यहां पर पक्ष में हैदराबाद टीम के, लेकिन जो इस सीजन के ट्रेंड्स हैं इनके घर पे वो पक्ष में है भैया जो विजिटिंग टीम है यानी कि आरसीबी टीम के पक्ष में। तो आपको पता चल गया है कि मुकाबला कितना क्लासिक, कितना मजेदार होगा भाई साहब, एकदम माहौल बन जाएगा। आप बस वीडियो को अंत तक देखिए और चलिए अब हम यहां पर बात करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद सनराइजर्स हैदराबाद टीम। देखिए ऐसी कोई इंजरी रिपोर्ट या फिर ऐसे कोई कंसर्न हमारे पास नहीं आए हैं। पिछले मुकाबले में टीम ने सरप्राइजिंगली ग्लेन फिलिप्स को ही ड्रॉप कर दिया, जो मतलब एक दो मैच पहले इस टीम के मैच विनर रहा हुआ थे। पर वही बात है, ये कुछ ऐसी टीम है, कोई शॉकिंग चीज नहीं है, ये ऐसा कर रहे हैं इसीलिए पॉइंट टेबल पर आपको वो नंबर 9-10 के आसपास नजर आते हैं। एंड इस मैच में ये क्या कर सकते हैं, ये चॉप एंड चेंज करेंगे, ठीक ठाक बदलाव करेंगे, क्योंकि देखिए आपको पता है इनके पास हारने को तो कुछ है नहीं और एडन मार्करम ने खुद बोला कि अगर हमें मौका मिला तो हम बदलाव करते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है ग्लेन फिलिप्स खेल सकते हैं, मे बी फजल हुक फारूकी की जगह, और मार्को यनसन या फिर फजल में से कोई एक ही विदेशी खेलेगा, क्लासन खेलेंगे, सनवीर को शायद अब मौका नहीं मिलेगा, ग्लेन फिलिप्स खेल सकते हैं, तो बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं। मे बी मयंक अग्रवाल खेल जाए क्योंकि उनके आंकड़े अगेंस्ट आरसीबी अच्छे रहते हैं। तो वो सारी चीजें, बहुत चीजें हैं जो आप कंसर्न कर सकते हो, मतलब यहां पर नोट डाउन कर सकते हो। पर देखते हैं प्लेइंग 11 आप कुछ खास ज्यादा बता नहीं पाओगे हैदराबाद टीम की, क्योंकि ठीक ठाक बदलाव आज आपको देखने को मिल सकते हैं या फिर बिल्कुल बदलाव नहीं हो सकता। और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर तो मुझे लगता है अनमोल प्रीत सिंह की जगह टी नटराजन एज इट इज जैसा चल रहा है वैसा ही देखने को मिलेगा। वहीं पर दोस्तों हम बात करें यहां पर आरसीबी टीम के प्रोबेबल 11 के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों के एनालिसिस में हमने ये बोला था आरसीबी से कि भैया आप खिलाइए माइकल ब्रेसवेल को राजस्थान के खिलाफ, टीम ने यही किया और टीम ने मुकाबला जीता। अब आज मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि उस वीडियो में मैंने हैदराबाद के खिलाफ भी यही बोला था कि आप चाहें तो सेम प्लेइंग 11 के साथ स्टिक कर सकते हैं, और वैसा ही मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि यहां पर ये टीम कोई खास ज्यादा बदलाव ना करे। वनिंदु हसरंगा मुझे पता है लास्ट टाइम आई थिंक जब खेला था इस टीम के अगेंस्ट तो शायद 5 विकेट हॉल लिया था, अगर मैं गलत नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद उनकी जगह नहीं बन रही है जॉर्ज हेजलवुड। अब बताया गया था कि दोनों को थोड़ा सा निगल एंड ऑल है, बट आई थिंक दैट वॉज टैक्टिकल चेंज ऑनेस्टली। एंड जिस तरीके से वैन पार्नेल ने परफॉर्म कर दिया है, माइकल ब्रेसवेल ने विकेट चटकाई है, हैदराबाद में आपको स्पिनर्स के लिए मदद मिल सकती है इन जनरल। सो आई थिंक दिस टीम शुड स्टिक विद द सेम प्लेइंग 11। मुझे नहीं लगता बदलाव करना चाहिए, बाकी देखते हैं टीम यहां पर क्या मतलब सोच कर आती है। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर दिनेश कार्तिक की जगह शहबाज अहमद, या फिर अगर टीम को एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाना है तो दिनेश कार्तिक की जगह विजय कुमार वैशक खेल सकते हैं। हालांकि टीम यहां पर एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स रखना चाहिए, कंसीडरिंग कि सामने एडन मार्करम आएंगे जिनके आंकड़े बहुत ही ज्यादा खराब रहते हैं। लेफ्ट आर्म
ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट, तो यहां पर शहबाज खेल सकते हैं, नहीं तो टीम चाहे तो यहां पर विजय कुमार वैशाख की तरफ देख सकती है। वैसे तो टीम चाहे तो डीके को ड्रॉप भी कर सकती है, क्योंकि अब आप तो विकेट कीपिंग भी अनुज रावत से ही करा रहे थे। सो या एक फैक्टर है, पर मुझे नहीं लगता टीम शायद ड्रॉप करे। खैर ऐसे में दोस्तों हम बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में, आज के मुकाबले का ताबड़तोड़ जानदार शानदार कंपैरिजन क्या कहता है। लेट्स स्टार्ट विद द कैप्टन वर्सेस कैप्टन। टाइम लूंगा ही नहीं मैं, टाइम आपका बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता। एडन माक्रम फाफ डुप्लेसिस, आंकड़े देख लो, आईपीएल 2023 में एडन माक्रम के पास 7 हार है भैया 11 मुकाबलों में एज अ कैप्टन, और उनका विन प्रतिशत मात्र 36 का है। फाफ डुप्लेसिस के 25 मुकाबले हो चुके हैं कप्तान के तौर पर और विन प्रतिशत उनका 52 का है। इस साल भी अपनी टीम को बेहतर यहां पर प्लेऑफ्स की रेस में रख रहे हैं, और दोनों टीमों में हेड टू हेड में हैदराबाद का पड़ा एज यूजुअल भारी रहा है। 21 मुकाबलों में 12 बार जीते हैं और इस वेन्यू पर तो बहुत ही भारी उनका आंकड़ा है। पर मुझे लगता है वो जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, और आज शायद हो जाए भी, यू नेवर नो। खैर से मैं बात करें अगर कैप्टनसी रेटिंग्स के बारे में, तो भैया हैदराबाद टीम को मैं दूंगा 2 स्टार और आरसीबी टीम को 4.2, इसलिए क्योंकि एडन माक्रम की कप्तानी में प्लेइंग 11 में टैक्टिक्स में मुझे बहुत चीजें गड़बड़ नजर आई, और स्पेशली लास्ट मैच में तो मैं बहुत ही अपसेट था। आई मीन आप ग्लेन फिलिप्स को कैसे ड्रॉप कर सकते हो भाई, जो बंदा आपके लिए एक समय पे मैच विनर रहा आपने उन्हीं को ड्रॉप कर दिया, आप मार्को एंसन फजल फरूकी को खिला रहे हो। आई मीन आपके पास इंडियन पेसर्स तो थे ना यार, व्हाट वाज द एंटायर लॉजिक दैट वाज बियॉन्ड मी। बट ऐसे ही बहुत सारे काम इस टीम ने किए हैं। हैरी ब्रोक में भी आज खेल जाए, अब हैरी ब्रोक भी मतलब देखिए क्या कैसे उनको भी आपने जिस तरीके से यूज किया, मिडिल ऑर्डर में ले गए टॉप ऑर्डर, बहुत चीजें क्वेश्चनेबल रही हैं हमेशा इस टीम के साथ। तो ऐसे में इनकी कैप्टेंसी या फिर इनके मैनेजमेंट से मैं कोई खास ज्यादा संतुष्ट भैया हूँ नहीं। लेकिन अब बात करते हैं टॉप ऑर्डर कंपैरिजन के बारे में, और इसके पहले कि हम टॉप ऑर्डर कंपैरिजन की बात करें, टॉप क्वालिटी अगर आज आपको प्रेडिक्शन चाहिए तो दोस्तों आपको जाना है द स्पोर्ट्स प्रिंस के पास। जी हाँ दोस्तों, द स्पोर्ट्स प्रिंस भैया इस आईपीएल में अगर अभी तक आप लॉस में जा रहे हो, बहुत ज्यादा लॉस हो रखा है, तो ये समय आ चुका है आपका लॉस रिकवर कराने का और प्रॉफिट भी बनाने का। लिमिटेड मैच बचे हुए हैं, लेकिन इन लिमिटेड मैचेस में आपको क्वालिटी यहाँ पे मैच पास दे रहे हैं कोई और नहीं बल्कि द स्पोर्ट्स प्रिंस, जो कि भारत की पहली स्पोर्ट्स कंसल्टेंसी है जिनके पास यार देखो बहुत ही तगड़े एनालिस्ट हैं जो हर मैच के टॉस प्रेडिक्शन, मैच सीजन प्रेडिक्शन, विन प्रेडिक्शन सब कुछ कर रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर इनकी स्क्रीन पर है, इनका सब्सक्रिप्शन आप आज के आज जाकर लीजिए और भैया मतलब प्रॉफिट करिए, बहुत तगड़ा प्रॉफिट करिए इनके प्रेडिक्शंस के साथ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फटाफट से जाइए। वैसे इनका एप्लीकेशन भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप चाहें तो इनका एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम बात करते हैं टॉप ऑर्डर कंपैरिजन के बारे में। एक तरफ आपको हैदराबाद में नजर आएंगे अनमोल प्रीत सिंह, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, आरसीबी के पास है विराट कोहली, फाफ डुप्लेसिस, ग्लेन मैक्सवेल नंबर 3 पर आ सकते हैं क्योंकि अनुज रावत नीचे जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं अब क्या मुझे मतलब आपका समय लेना चाहिए फालतू में यहां कंपैरिजन करने में, या फिर सिर्फ आपको यह बता देना चाहिए कि विराट अनमोल में मैं विराट के साथ जा रहा हूं। हालांकि विराट के स्ट्राइक रेट का इशू है, उस तरीके की लय में नहीं नजर आए, पर रन बनाए बंदे ने और उम्मीद करते हैं कि आज बेहतर स्ट्राइक रेट से बनाए, जो कि डेफिनेटली कंसर्न है इस खिलाड़ी के लिए। और वैसे भी स्पिनर्स के खिलाफ ये स्ट्रगल करते हैं, आज इनको स्पिन थ्रेट लगाती नजर आएगी जरूर हैदराबाद टीम। और उसके बाद फाफ डुप्लेसिस, एंड अगर आप बात करेंगे यहां पे शर्मा साहब के बारे में, तो ऑब्वियसली I'll go with Faf du Plessis. I mean, he is just phenomenal in this IPL. Glenn Maxwell, Rahul Tripathi, Glenn Maxwell for sure. और ऐसे में टॉप ऑर्डर रेटिंग्स में हैदराबाद को मिलते हैं 3.5 स्टार और आरसीबी टीम को 4.7. अब वो विराट कोहली का थोड़ा सा स्ट्राइक रेट का इशू है मेरे भाई, नहीं तो ये 4.8, 4.9 तक मैं इनको रेटिंग देता। इस तरीके से इनका टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा है, वन ऑफ द बेस्ट है इस सीजन का। लेकिन अगर वो दुरुस्त हो गया तो भाई साहब आज ये टीम तहलका फिर से बचा सकती है। और चलिए बात करते हैं अब मिडिल ऑर्डर कंपैरिजन के बारे में, और यहां पर आपको मजा आएगा क्योंकि देखिए हैदराबाद टीम की थोड़ी सी यहां पर बदलाव हो सकते हैं। हैरी ब्रोक, फिलिप्स कोई भी खेल सकता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि वो प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन एक जो आइडल मिडिल ऑर्डर होगा उसमें एडन माक्रम, हेनरिच क्लासन, मे बी सनवीर या फिर फिलिप्स या मतलब जो भी हो अब्दुल समाद नजर आएंगे। और उसके बाद आरसीबी टीम में लोम रोड, दिनेश कार्तिक, माइकल ब्रेसवेल, अनुज रावत ये हो सकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम यही थे। और अगर बात रही कंपैरिजन की एडन माक्रम, महिपाल, लोम रोड, और देखिए एडन माक्रम के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं और ये बताते हैं कि क्यों हैदराबाद का सीजन ऐसा रहा है। आप कप्तान थे और आपकी एवरेज मात्र 21 और स्ट्राइक रेट 127 का रहा इस पूरे सीजन, वहीं पर महिपाल लोमरोर की एवरेज 19 की और स्ट्राइक रेट 142 का रहा। तो एक्चुअली लोमरोर का स्ट्राइक रेट मतलब ज्यादा बेहतर रहा यहां पे माक्रम से, लेकिन एवरेज में थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं माक्रम। तो ऐसे में देखिए नो डिसरिस्पेक्ट टू महिपाल, वो बहुत ही बेहतर खिलाड़ी, आई मीन मुझसे ज्यादा उनको किसने आरसीबी टीम में बैक किया होगा, जो लोग हमें जानते हैं जानते हैं। पर बात यहां पे सिर्फ इतनी सी है कि यार एडन माक्रम को मुझे लगता है जिस तरीके के वो जिस कैलिबर और स्टैंडर्ड के प्लेयर हैं उनको यहां पर काफी ज्यादा परफॉर्म करना था, जो कि उन्होंने नहीं किया। लेकिन चलिए यहां से मैं एडन माक्रम ही पिक करूंगा। और उसके बाद
कंपेयर होगा हेनरिक क्लासन दिनेश कार्तिक का, तो हेनरिक क्लासन वन ऑफ द बेस्ट स्पिन हिटर इस पूरे आईपीएल में है, इनसे बेहतर कोई रहा नहीं, वन ऑफ द बेस्ट नहीं एक्चुअली बेस्ट स्पिन हिटर इस पूरे आईपीएल में रहे हैं, जहां पर मोस्ट ऑफ द बड़े बड़े नाम भी स्पिन के सामने फंसे हैं, इन्होंने भैया सबको तोड़ा है और बराबर से तोड़ा है। और उसके बाद बात करें यहां पर सनवीर सिंह माइकल ब्रेसवेल की, आई डेफिनेटली गो विद माइकल ब्रेसवेल, देन अब्दुल समद, अनुज रावत, वंस अगेन टॉप क्वालिटी कंपैरिजन, चलिए आंकड़े रख दिए जाए, अब्दुल समद 42 की एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट, क्यों, क्योंकि कई बार नाबाद रहे हैं और मैच फिनिश भी किया है, वहीं पर अनुज रावत की 22 की एवरेज, 121 का स्ट्राइक रेट, तो एक्चुअली अब्दुल समद ने वो रोल ज्यादा बेहतर निभाया है एज अ फिनिशर, अंडर प्रेशर डिलीवर करने की कोशिश भी की है, अनुज रावत ने वो पिछले मैच में अच्छा किया, उसके पहले उतने अच्छे नहीं रहे हैं आंकड़े, तो ऐसे में आई डेफिनेटली गो विथ अब्दुल समद फॉर श्योर। और ऐसे में अगर आप दोस्तों ओवरऑल कंपैरिजन की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको नजर आएगा कि मिडिल ऑर्डर में हैदराबाद का पलड़ा भारी है, इवन आफ्टर की पिछले मैच में मिडिल ऑर्डर आरसीबी का अच्छा किया पर हमेशा से मतलब परेशानी रही है, तो यहां पे हैदराबाद को 3.5 स्टार मिलेंगे, आरसीबी को मिलेंगे 3.1, एक्चुअली दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर से मैं कोई खास ज्यादा संतुष्ट नहीं हूं, वही बात है कि खराब बनाम खराब का, ये सच बता रहा हूं यहां पे ईमानदारी से कंपैरिजन रहा है। और इसके बाद हम बात करें यहां पर ऑलराउंड कंपैरिजन के बारे में, तो हैदराबाद टीम के पास है सनवीर सिंह, मार्को यानसन, एडन माक्रम, आरसीबी टीम के पास रहेंगे ग्लेन मैक्सवेल, माइकल ब्रेसवेल, मे बी शहबाज अहमद या फिर विजय कुमार बेशक खेल गए तो बात अलग है, लेकिन कंपैरिजन देखिए सामने से देखने में आपको नजर आ रहा है कि पल्ला जो है वो आरसीबी टीम का थोड़ा सा भारी है, हालांकि वंस अगेन यहाँ भी कोई खास ऑलराउंडर है नहीं, दोनों टीमों के पास कोई ऐसा बहुत प्योरिस्ट नहीं है, अब हसरंगा भी शायद ना खेलें तो वो भी एक चीज है। हैदराबाद टीम आपको पता है मतलब मार्को यानसन के बल्ले से कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आया, गेंद से आया तो एडन माक्रम के बल्ले से भी नहीं आया, गेंद से भी थोड़ा बहुत इधर उधर किया और उसके बाद सनवीर को तो कितना ही मौका मिला, तो वही चीज है कि उतना अच्छा कुछ खास दोनों टीमों से रहा नहीं है। 3.5 स्टार मिलेंगे आरसीबी को और हैदराबाद टीम को देना चाहूंगा 3.2 स्टार। उसके बाद बात करें यहाँ पे स्पिन कंपैरिजन के बारे में, हैदराबाद के पास रहेंगे मयंक मार्कंडे, एडन माक्रम एंड अभिषेक शर्मा जो कि थोड़ा सा पार्ट टाइम डाल रहे हैं, आरसीबी टीम के पास रहेंगे मैक्सी ब्रेसवेल, कर्ण शर्मा, मे बी शहबाज अहमद, तो विकल्प पहली बार इस टीम के पास ज्यादा हैं, मतलब निश्चित तौर पर अगर आप मार्कंडे और कर्ण शर्मा में जाएंगे तो मैं मार्कंडे को पिक करूंगा। हैदराबाद में 6 पारियों में 10 विकेटें बंदे ने चटकाई हैं, मतलब एक बार तो 4-4 विकेट हॉल लिया है, बहुत अच्छा किया है, पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि आरसीबी टीम का स्पिन डिपार्टमेंट ऑब्वियसली डोमिनेट करता है, कंसीडरिंग कि माइकल ब्रेसवेल डिलीवर कर रहे हैं, डिलीवर तो मैक्सवेल भी करते हैं जो मौका मिलता है, सो फॉर दैट रीजन दोस्तों आरसीबी को थोड़ा सा मैं ज्यादा प्रायोरिटी में रखूंगा, पर बहुत ज्यादा नहीं, 3.8 दूंगा आरसीबी को और हैदराबाद को मिलेंगे 3.5, अगर आप इक्वल भी मानेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं आपको काउंटर नहीं करूंगा, वो भी सही है। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर पेस कंपैरिजन के बारे में, तो हैदराबाद टीम के पास है मार्को यानसन, भुवनेश्वर कुमार, फजल उल फारूकी, टी नटराजन एंड सनवीर सिंह का भी विकल्प रहेगा, आरसीबी टीम के पास मोहम्मद सिराज, वैन पार्नेल एंड हर्षल पटेल, अगर आप कंपेयर करेंगे दोस्तों भुवनेश्वर कुमार मोहम्मद सिराज का जबरदस्त कंपैरिजन है, दोनों ने ही न्यू बॉल से तबाही मचा रखी है, लेकिन यहां पे मोहम्मद सिराज थोड़ा सा 2 विकेट यहां पर एक्स्ट्रा चटकाई है, मतलब उतने ही मुकाबलों में, और इकॉनमी भी थोड़ी सी बेहतर रखी है, तो थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं, और मत भूलिए मोहम्मद सिराज का होम ग्राउंड है हैदराबाद, आज छा सकते हैं, आज भैया बवाल मचा सकते हैं, मुझे तो लग रहा है आज 2-3 विकेटें इनकी आ रही हैं, और इसीलिए आई डेफिनेटली गो विद मोहम्मद सिराज। देन यहां पे अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन करना चाहेंगे वैन पार्नेल, मार्को यानसन का, एक्चुअली मैं वैन पार्नेल के साथ जाऊंगा, जितने भी लिमिटेड मौके इस बंदे को मिले हैं इन्होंने अच्छा किया है, स्पेशली कंसीडरिंग लास्ट मैच, और उसके बाद हर्षल पटेल एंड टी नटराजन में मैं निश्चित तौर पर टी नटराजन के साथ जाऊंगा, लेकिन क्योंकि अब विकल्प यहां पर हैदराबाद टीम के पास थोड़े से ज्यादा हैं इसलिए मैं कंफ्यूज हूं, वैसे तो यहां पे आरसीबी का पड़ला पिक में ज्यादा भारी नजर आ रहा है, पर विकल्प भी यहां पे हैदराबाद के पास ज्यादा और उनके पास क्वालिटी है पेस अटैक की, क्या पता टीम उमरान मलिक को भी खिला ले मतलब तो और अच्छा हो सकता है, कार्तिक त्यागी खेल गए तो मतलब थोड़ा सा और अच्छा कर सकती है टीम, रॉ पेस से थोड़ा सा मतलब डिफीट करना चाहेगी यहां पे आरसीबी टीम को, लेकिन वैसे इनकी वीकनेस स्पिन है, उतना रॉ पेस है नहीं, पर फिर भी पेस कंपैरिजन में मैं दोनों टीमों को टॉप क्वालिटी पेस अटैक 4.5 स्टार दूंगा, मुझे लगता है दोनों टीमों का पेस अटैक काफी बेहतर काफी दुरुस्त परफॉर्म करता नजर आ रहा है। और रही बात यहां पे फाइनल रेटिंग्स के बारे में, डेथ ओवर में दोनों टीमों को कंसर्न रहते हैं पर उसके अलावा अच्छा है, और रही बात यहां पर दोस्तों ओवरऑल अब फाइनल रेटिंग्स के बारे में, तो ऐसे में चलिए बात करते हैं कितना यहां पे अंक मिला है, निश्चित तौर पर इस पूरे कंपैरिजन में आरसीबी का पड़ला बहुत ज्यादा भारी रहा है, अगर आप होम एडवांटेज भी दे देंगे हैदराबाद को तो भी मैं इनको मैक्सिमम 3.5 स्टार ही दे पा रहा हूं 5 में से, और आरसीबी को मिल रहे हैं 4.4 स्टार, तो क्रिस्टल क्लियर फेवरेट्स यहां पे कंपैरिजन में भारी मात्रा में नजर आ रहे हैं आरसीबी पर। भैया ये क्रिकेट का आईपीएल खेल है, इनक्रेडिबल, आप कह नहीं सकते कि आरसीबी फेवरेट्स और वो मुकाबला जीत जाएगी, यू नेवर नो क्या होने वाला है। 4 विकेट मिले यहां पे भैया, मतलब ये स्पिन जो मयंक मार्कंडे हैं इनको, और पूरा गेम एकदम वक्त जज्बात सब पलट जाएंगे, यू नेवर नो, यू नो एवरीथिंग कैसे आरसीबी ने इस पूरे मतलब आईपीएल में अब तक किया है। खैर ऐसे में दोस्तों देखते हैं कि कौन मुकाबला जीतता है, हमारा कंपैरिजन तो ये कह रहा है कि भैया आरसीबी आज मुकाबला निकाल सकती है, उनके आंकड़े उनके फेवर में है, इररिस्पेक्टिव कि ग्राउंड आंकड़े यहां पर जो भी कहते हैं, वो तो हैदराबाद के
बड़े मार्जिन के फेवर में है। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर आज की हमारी प्रेडिक्शंस के बारे में, तो देखिए मैं अपनी तीन प्रेडिक्शंस यहां पर रखने वाला हूं, अपनी तीन बोल्ड प्रेडिक्शंस। लेकिन अगर आपको चाहिए क्वालिटी प्रेडिक्शन टॉप नॉच 100% एक्यूरेट, तो आप जाकर अभी के अभी लेंगे द स्पोर्ट्स प्रिंस का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि भैया मैं भी यहां पर ले रहा हूं और भाई इनकी जो प्रेडिक्शंस है वो काफी एक्यूरेट रही है। बहुत मुश्किल से यार एक मैच में इनकी प्रेडिक्शन अगर गलत भी हो रही है ना, तो आपको नेक्स्ट मैचेस में बैक टू बैक जीत दिला के ये वापसी करा दे रहे हैं। और यही इनकी सबसे बड़ी काबिलियत है कि वापसी नहीं, एट द एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट पे प्रॉफिट दिला दे रहे हैं। अब वो सबसे बड़ी बात होती है ना, हर दिन कोई सही नहीं कर सकता, लेकिन जो कर रहा है वो कंसिस्टेंट कितना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो है यहां पर द स्पोर्ट्स प्रिंस। मैं तो इनको पर्सनली खुद, मतलब मैंने इनका सब्सक्रिप्शन लिया है तो मुझे पता है। तो फटाफट से भैया आप भी जाइए। लेकिन बात करते हैं यहां पर प्रेडिक्शंस के बारे में, तीन बोल्ड प्रेडिक्शंस में। दोस्तों नंबर एक प्रेडिक्शन मेरी ये है कि सनराइजर्स हैदराबाद टीम एक या दो विकेट कम से कम पावर प्ले में गंवाने वाले हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी हां दोस्तों, अगर आप सनराइजर्स हैदराबाद के टॉप ऑर्डर में किसी को कप्तान या वाइस कप्तान अपनी फैंटेसी टीम में बनाने वाले थे तो सोच लीजिएगा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मुझे लगता है विकेट गिरेगी। हालांकि हमारी फैंटेसी टीम तो आपको पता है डॉक्टर ग्रिक पॉइंट फैंटेसी पर, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पर हम सारी चीजें आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इसके बाद दोस्तों जो हमारी दूसरी बोल्ड प्रेडिक्शन है वो ये है कि सिराज और भुवनेश्वर कुमार एटलीस्ट तीन विकेट यहां पर चटकाने वाले, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए सिराज का तो होम ग्राउंड है, तो दो विकेट आप उनके मतलब नोट कर लीजिए, अगर बहुत गंदा दिन नहीं रहा तो दो विकेट उन्हें मिलनी चाहिए। वहीं पर भुवी न्यू बॉल के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उनके मैचअप्स ना विराट के भी अगेंस्ट है, मैक्सी के भी अगेंस्ट है, फाफ के भी अगेंस्ट है, टॉप तीनों के अगेंस्ट है। मुझे लगता है उनको विकेट मिल सकती है, अर्ली ऑन ब्रेक थ्रूज भी मिल सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों रही बात विन प्रेडिक्शन की, तो भैया मैं तो यहां पे कंपैरिजन के साथ जा रहा हूं, मैं उसी को बैक कर रहा हूं। जो टीम ने पहले बल्लेबाजी की है इस पिच पर उनके जीतने के चांसेस ज्यादा रहे हैं, तो क्या पता आरसीबी पहले बल्लेबाजी करे, मे बी जीत जाए, यू नेवर नो, पर मैं यहां पर आरसीबी के साथ जाऊंगा। मुझे लगता है दोस्तों कि आरसीबी को पता है कि इस मुकाबले की वैल्यू क्या है, और वो अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखेंगे और इस मुकाबले में बाजी मारेंगे। हालांकि ये सिर्फ मेरी अपनी गट फील की प्रेडिक्शन है, अगर आपको टॉप नॉच एनालिसिस बेस्ड प्रेडिक्शन चाहिए, एक्यूरेट चाहिए, तो द स्पोर्ट्स प्रिंस भैया आपके मतलब स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर है, अभी के अभी जाइए, पूछिए आज कौन जीतेगा, टॉस कौन जीतेगा, मैच क्या कहती है उनकी प्रेडिक्शंस, फटाफट से जाके कांटेक्ट करिए, इनका एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, और हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें। फिर से कह रहा हूं कंपलसरी है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत सारी अपडेट्स इस पूरे मैच को लेकर हम वहां पर बातचीत करेंगे, हम न्यूज देंगे आपको, मैच के टाइम पर हम डिस्कशन करेंगे, सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं बहुत जल्द दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग शानदार वीडियो के साथ। अब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।